गुड मॉर्निंग, AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का केबल वायर लोड चार्ट है, जैसे कौन सा केबल इतना लोड लेता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो केबल जो हमारा 0.75, 1 square mm, 1.5 square mm, 2.5 square mm, 4 square mm, 6 square mm, यहाँ पर 10 square mm, यहाँ पर 16 square mm, 25 square mm, 35 square mm, 50 square mm, 70 square mm, 95 square mm, 120 square mm, 150 square mm, 185 square mm, ठीक है। तो केबल इसके आगे भी होता है, ठीक है ना, 300 तक केबल। केबल तो बहुत ज्यादा होता है, 500-700 जो भी है, 500 तक मतलब। लेकिन ये जो है केबल कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम बताएंगे, ठीक है। हाउस वायरिंग में कौन सा केबल यूज होता है और इंडस्ट्रियल में कौन सा केबल यूज होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.75 square mm का लोड कितना लगा, ये 6 एम्पियर, इसका 6 एम्पियर तक लोड लेगा। और जो है 1 square mm का 9 एम्पियर, 1.5 square mm 14 एम्पियर एंड 2.5 square mm 25 एम्पियर तक लोड लेगा, ठीक है। अब आगे देखिए 4 square mm, 4 square mm 33 एम्पियर, 6 square mm, 6 square mm 42 एम्पियर, 10 square mm 58 एम्पियर तक लोड लेगा, ठीक है। ये 16 square mm 77 एम्पियर, 25 square mm 102 एम्पियर, ठीक है, 35 square mm 125 एम्पियर तक, ठीक है। अब देखिए 50 square mm 150 एम्पियर, यानी कि 150। 17 square mm का केबल जो है 192 एम्पियर, 95 square mm का केबल 230 एम्पियर, 120 square mm का केबल 267 एम्पियर एंड 150 square mm का केबल 290 एम्पियर, ठीक है। 185 square mm का केबल 348, यानी कि 348 एम्पियर। अब देखिए ये केबल इतना लोड ले सकता है, यानी कि 0.075, ठीक है, 0.75 square mm का केबल 6 एम्पियर, यहाँ पर 1 square mm का केबल 9 एम्पियर, 1.5, इसको डेढ़ बोलते हैं, इसको डेढ़ बोलते हैं, 1.5 square mm का 14 एम्पियर, यहाँ पर 2.5, इसको ढाई बोलते हैं, ठीक है, 2.5 square mm का केबल 25 एम्पियर, 4 square mm का केबल 35 एम्पियर, 6 square mm का केबल 42 एम्पियर, 10 square mm का केबल 58 एम्पियर तक लोड लेता है, ठीक है। 16 square mm का केबल 77 एम्पियर, यानी 77 एम्पियर, 25 square mm का केबल 102 एम्पियर, 35 square mm का केबल 125 एम्पियर तक लोड लेता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 50 square mm का केबल 150 एम्पियर तक लोड लेगा, ठीक है, 70 square mm का केबल 192 एम्पियर तक लोड लेगा, 95 square mm का केबल जो है 230 एम्पियर तक लोड लेगा, 120 square mm का केबल 267, यानी कि 267 एम्पियर, 267, और 150 square mm का केबल जो होता है 290 एम्पियर तक लोड लेता है, ठीक है। और 185 square mm का केबल जो है 348 एम एम तक लोड लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.75 यानी कि 75 एम्पियर, 1 square mm, ठीक है, 0.75 square mm का केबल 6 एम्पियर और 1 square mm का केबल 9 एम्पियर तक लोड लेता है, ठीक है ना। इसको लगाया कहाँ जाता है ये देखिए, इसको कहाँ लगाया जाता है, ज्यादातर
ये अर्थ के लिए 0.75, ये अर्थ के लिए, ठीक है ना। अब 1 square mm केबल का, ठीक है, और 1.5 को इन्वर्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको जो है 0.75 square mm अर्थ के लिए, 1 square mm और 1.5 square mm का यूज इन्वर्टर में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर 1.5 और 2.5 स्क्वायर एमएम का केबल जो है फेस और न्यूट्रल स्विच बोर्ड से लेकर के स्विच बोर्ड तक, ठीक है, यानी कि एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक फेस और न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो यूज करेंगे 1.5 और 2.5 जो स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड के लिए, जिसका लोड 25 एम्पियर यानी कि 25 एम्पियर तक ये लोड लेता है, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर आपको लोड देना होगा तो ज्यादा एम्पियर का केबल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर 25 एम्पियर से आपको ज्यादा लोड अगर देना है तो 25 एम्पियर से ज्यादा अगर लोड देना है तो आप केबल का साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और 4 mm का केबल, ये जो 4 square mm है उसका केबल स्प्लिट एसी और विंडो एसी, अगर एयर कंडीशन आप अपने रूम में लगा रहे हैं, ठीक है, तो स्प्लिट एयर कंडीशन और विंडो एयर कंडीशन 1.5 टन यानी कि 1.5 टन का जो स्प्लिट एसी होता है उसमें जो है 4 mm² का केबल जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ITI कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन जो भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।